गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कर्णी एकेडमी एंड एजुकेट। माय सेल्फ मोनिका शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमसे यूं ही मिलते रहिए। अपन एसएसटी में ज्योग्राफी सेक्शन को कंप्लीट करते हुए सिविक्स की तरफ बढ़े हैं, और सिविक्स में अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीट कर लिया है। और आई होप आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। आपके डाउट्स अगर फिर भी रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आज जो है अपन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे ने हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो क्लास है उसे मिस कर दिया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एप्लीकेशन के अंदर जाइए और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वीडियो है उसे ज़रूर से देखिए, ताकि आप स्टेट गवर्नमेंट को समझ पाएँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये टीचर है, ठीक है? ये अगर फादर है तो ये मदर है। समझ में आया? ये अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ये हमारे पेरेंट्स हैं। क्लियर? दैट इज़ द थिंग। समझ में आ रहा है ना कि क्या चीज़ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर आप इनको हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा पेरेंट है। तो जब तक ग्रैंड पेरेंट को नहीं समझोगे, पेरेंट्स को समझ नहीं पाओगे। जब तक प्रिंसिपल को नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो स्कूल कैसे चला रही है, टीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। टीचर्स तो यही कहेंगे कि हम क्या करें, हमें जैसा ऑर्डर दिया जा रहा है हम वैसा काम कर रहे हैं। सो ये वाली बात है। होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन पर जाकर उसे फॉलो कर दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा, आप जो है अपने आप इस बात को स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है ना? कि जिस दिन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। सो आई होप यू ऑल विल बी क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं अपन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? और इस चैप्टर में भी इसको कंटिन्यूशन में देखिएगा, अगर बीच में कहीं पर भी इसको तोड़ा तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको कंफ्यूज करेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक फॉर्म में चलिएगा, फॉर्म को मत तोड़िएगा। फॉर्म को तोड़ेंगे तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। हालांकि मेरे वीडियोस इतने सिंपल होते हैं कि आप लोगों को डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। मैं अपनी 100% कोशिश करती हूँ कि आप मेरा बच्चा जो मेरे वीडियो को देख रहा है उसको देखने के साथ ही वो इस सेटिस्फेक्शन से उठे कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, और होपफुली मैं सक्सेस भी मुझे इसमें मिलती है, क्योंकि मेरे बच्चे जिस तरह से मुझे कमेंट देते हैं तो मैं समझ भी पाती हूँ कि हाँ वो रियली मुझसे सेटिस्फाइड हैं। फिर भी मेरी कोशिश और अच्छा करने की रहती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सीखने की उम्र नहीं होती। तो मेरी कोशिश में मैं और जितना हो सकता है उतना अच्छा सीख के आपको समअप देने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ वीडियोस को बीच में मिस ना करें, पूरी सीरीज़ कंटिन्यूशन में देखें, चाहे आप इंग्लिश की देख रहे हैं चाहे आप एसएसटी की देख रहे हैं, ठीक है? तो ये सीरीज़ कंटिन्यूशन में देखेंगे तो समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वरना कन्फ्यूज़ रहेंगे। और वो कन्फ्यूजन जो है वो जब तक क्लियर नहीं होगा आप प्रॉपर आंसर की फॉर्मेशंस नहीं बना पाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 और 7 नंबर के चैप्टर हैं, तो छोटे मार्क्स के चैप्टर नहीं है ये। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड विद दिस कि हमें जो है वो इसको प्रॉपर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो
तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सेंट्रल गवर्नमेंट वापस से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. जिसने देख लिया है, जिसको समझ आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमारे साथ आगे बढ़िए. और अगर बाय चांस किसी का मिस हो गया है कुछ, तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेक्शन को ओपन करके उसका वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए. ठीक है. सो वी स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. यहां से अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर को. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. डिस्कस किया था अपन ने, यही डिस्कस किया था ना, कि जो हमारा पीएम होते हैं उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं. उन वो अपने नीचे जो है वो मिनिस्टर्स को फॉर्म कर, मतलब एक इंसान के लिए सारे काम करना पॉसिबल नहीं है. तो जो बात सेंट्रल में लागू होती है वही सेम बात जो है बेटा वो स्टेट में भी लागू होती है. जो बात सेंट्रल में लागू होगी वही सेम बात जो है वो स्टेट में भी लागू होगी. जिसमें सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर. स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी. लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशियरी. ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर को अगर अपन देखें तो देखिए ये बहुत अलग सेक्शन में चले जाते हैं. इनको भी अपन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि अपन डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे अपन ने उसमें किसको डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से डिस्कस किया था. तो सेम अगर अपन स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो इसके तीन पार्ट बनते हैं. पहला बनता है लेजिस्लेचर, दूसरा बनता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा बनता है जुडिशियरी. ठीक है. तो लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है. ठीक है ना. सेंट्रल का अलग था, अब अभी अपन स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है. तो पहला पार्ट इसमें क्या आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन गवर्नर. ठीक है. लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन गवर्नर. क्लियर, क्लियर हो गया. लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा और गवर्नर आएगा. फिर आते हैं अपन एग्जीक्यूटिव पर. तो एग्जीक्यूटिव भी चार पार्ट में बढ़ती है, जिसमें गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है और कॉस्मोस होता है. ठीक है, क्लियर. फिर जुडिशरी में वन एंड ओनली हाई कोर्ट. क्लियर. उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, देखो बहुत अच्छा सा डिफरेंस है. उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट, है ना. वो किसका पार्ट था बेटा, वो पार्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आएगा. ठीक है. उसमें अपन ने गवर्नर की जगह क्या डिस्कस किया था, मिस्टर प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था, किया था. उसके बाद अपन किस पर गए थे, वाइस प्रेसिडेंट पर. उसके बाद अपन गए थे प्राइम मिनिस्टर पर. उसके बाद कैबिनेट पर गए थे. ठीक है. और सेम इसी तरह से ये तो तीन पार्ट होते ही हैं. ये तीन पार्ट किसके लिए काम करेंगे, ये उस समय वहाँ सेंट्रल के लिए काम कर रहे थे, अभी ये स्टेट के लिए काम करेंगे. उसमें अपन ने क्या पढ़ा, लोकसभा पढ़ी और क्या पढ़ा, राज्यसभा पढ़ा. ठीक है. तो होप ये सारा मकसप नहीं हो रहा है, क्लीन हो रहा है, हो रहा है ना. मकसप मत करिएगा, क्लीन करने की कोशिश करिएगा मैम जो बता रही है उसे. क्लियर. के बिल्कुल अच्छे से शांति से सोच सुनिएगा कि जो अपन ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं वो तीन पार्ट में बट रहा है बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ठीक है. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. फिर उसके बाद जब अपन स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो वो भी तीन पार्ट में बढ़ता है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर. ठीक है. उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. क्लियर. फिर जब अपन एग्जीक्यूटिव पर आते हैं तो अपने एग्जीक्यूटिव में अपन इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड कॉस्मोस. क्लियर. उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डिस्कस किए थे. ठीक है.
फिर जुडिशरी पे जब आते हैं तो इसमें जुडिशरी में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाई कोर्ट, और उसमें जुडिशरी पर क्या डिस्कस किया था अपन ने, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसमें अपन ने जुडिशरी पर क्या डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस किया था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। आई होप यू ऑल विल क्लियर एंड अंडरस्टैंड, कि कोई डाउट दिमाग में मत रखिएगा, और अगर फिर भी है तो रिमेनिंग सेक्शन पर जाकर एक बार कन्फर्मली देखिएगा, जिससे कि जो डाउट्स हैं वो क्लीन हो जाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पहला ऑर्गन है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, किस हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 186 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट विल हैव लेजिस्लेचर, ठीक है। हर स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, जो कि फॉर्म बाय द गवर्नर, जो गवर्नर के द्वारा और लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा फॉर्म होता है, और गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें काम करती है, ठीक है। इन द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अगर अपन इस आर्टिकल में देखते हैं 186 के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एवरी स्टेट विल हैव, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेचर है, जो कि फॉर्म होता है गवर्नर से एंड लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। और गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड यूनिक्रेमिनल एंड बायक्रेमिनल लेजिस्लेटिव, दो होते हैं अपने पास, ठीक है, यूनिक्रेमिनल एंड बायक्रेमिनल लेजिस्लेटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइड लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, हर जगह पे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 186 पे अगर अपन जाते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी स्टेट हैज लेजिस्लेचर, हर स्टेट का लेजिस्लेचर है, जो कि गवर्नर के द्वारा बनाया जाता है, एंड बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ सम स्टेट बाय द गवर्नर, और जो दोनों हाउसेज होते हैं ऑन इन केस ऑफ अदर स्टेट्स, इफ देर इज टू हाउसेज इन सम स्टेट, अगर दो हाउसेज हैं, देन दीज हाउसेज विल बी कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, इन हाउसेज को अपन क्या कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली, इन एवरी स्टेट देयर इज अ हाउस फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये हाउस किससे फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, हु आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन, जो सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, कौन से बेसिस पर, अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। दीज हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, ये जो हाउसेज होते हैं उनको अपन लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। ये हाउसेज, दीज हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, ये जो लेजिस्लेटिव हाउस, जो हाउसेज होते हैं, कौन से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्टेड सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। दोज स्टेट विच हैव सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब समझ में आया कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या फर्क है बेटा। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको कहते हैं, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझिए, ताकि एग्जाम में सिर्फ मेरा वीडियो देखना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल मींस द सेकंड हाउस ऑफ कौन सा, लेजिस्लेचर, सेकंड हाउस ऑफ
सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर क्या कहलाता है बेटा? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है. द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस, के जो भी पावर अपन के अपने पास होते हैं डिसीजंस लेने के, रिगार्डिंग द वेदर ऑफ वेदर द लेजिस्लेचर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, जो भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, शुड बी यूनिक्रिमिनल. कैसे होने चाहिए? यूनिक्रिमिनल होने चाहिए और बायक्रिमिनल. इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन पार्लियामेंट के, एट प्रेजेंट 7 स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, 7 स्टेट्स होती है, हैव बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर, जिसके बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर होते हैं. दीज इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड रिमेनिंग स्टेट्स हैव यूनिक्रिमिनल. ठीक है, क्या किस किस का बाय क्रिमिनल है और कौन सा यूनिक्रिमिनल है वो आगे की स्लाइड में मैं आपको शो करूंगी. मैंने पूरा उस स्लाइड में अलग आइडेंटिफाई कर दिया है. इन दीज 7 स्टेट्स विच हैव यूनिक बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर, जिसके अंदर बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर होता है, फॉलोइंग आर द 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स पर काम करता है. पहला कौन होता है? गवर्नर. ठीक है, दूसरा होता है फर्स्ट और लोअर हाउस. इसमें फर्स्ट और लोअर हाउस कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर इसमें सेकंड और लोअर अपर हाउस कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, क्लियर. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एडॉप्ट करता है यूनिक्रिमिनल और बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर को. ठीक है, अब ये देखिए, ये मुझे मैप एक्चुअल में इसका इंग्लिश का, तो आप लोग इतना तो हिंदी समझ पाते हैं, अपन हिंदुस्तान से हैं तो इतना आप लोग समझ पाएंगे. विधान परिषद वाले राज्य जो कि मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किए हैं, एट प्रेजेंट देर आर 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स हैं जो कि क्या है बेटा, बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर से बिलोंग करते हैं. उसमें पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर. दूसरा है उत्तर प्रदेश. तीसरा बिहार, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. क्लियर, क्लियर हो गया कि एट प्रेजेंट देयर आर 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स है विच हैव, जिनके अंदर बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर होता है. उसमें जम्मू कश्मीर पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. क्लियर हो गया. ठीक है, ये देखिए, ये रहा जम्मू कश्मीर. ठीक है, उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद में महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश एंड देन तेलंगाना. क्लियर, ये रहे सारे स्टेट्स अपने. जम्मू कश्मीर, देखिए ये कौन सा आ रहा है बेटा? जम्मू कश्मीर, ये रहा. देन उत्तर प्रदेश, आफ्टर उत्तर प्रदेश इट्स बिहार, बिहार के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में तेलंगाना. ठीक है, तो होप आप लोगों को ये 7 स्टेट्स रिमाइंड हो गए होंगे. बहुत इजी है, ऐसे सीक्वेंस चलता है और नीचे 4, 3 ऊपर, नीचे 4, ऐसे ही याद हो जाते हैं, जिनके अंदर बाय क्रिमिनल लेजिस्लेचर है. अब आते हैं यूनिक्रिमिनल. यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर क्या कहलाता है? जिसमें अ लेजिस्लेचर विद अ सिंगल हाउस, वो लेजिस्लेचर जो कि सिंगल हाउस के साथ काम करता है,
उसे अपन यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर कहते हैं। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होती है उसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड गवर्नर दोनों ही होते हैं। 22 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हैव यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर, उसमें कितने होते हैं? 22 स्टेट्स, ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरीज। अ लेजिस्लेचर विथ सिंगल हाउस, वो लेजिस्लेचर जो सिंगल हाउस के साथ काम करता है उसे यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर कहते हैं, ठीक है। यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ काम करता है और गवर्नर के साथ काम करता है, जिसमें 22 स्टेट्स 2 यूनियन टेरिटरीज होती हैं जो कि यूनी क्रिमिनल लेजिस्लेचर को बनाती हैं। ये लेजिस्लेचर का एक मेज शो कर रखा है आपको। अब आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली पर, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किस तरह से बनती है? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है बेटा? फर्स्ट हाउस है, ठीक है, फर्स्ट हाउस है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का पहला हाउस, जैसा कि अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती तो वो क्या होता? सेकंड हाउस होता। फिर लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इट इज नोन एज टेम्पररी हाउस। इसको टेम्पररी हाउस कहते हैं बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम, ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, और हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी सिस्टमेटिक चेयर्स लगी हुई है, अपने स्पीकर्स जो होते हैं वो इसमें बैठते हैं, फिर मीटिंग्स होती है, डिबेट्स होते हैं, हर बात पर इशू जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए होती है, होनी ज़रूरी है, हर स्टेट में होती है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी डिसॉल्व हो सकती है ना, इसका कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको अपन टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर का पहला हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसको टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है, और इट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम, ठीक है। ऑल स्टेट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। फिर आते हैं अपन फॉर्मेशन, फिर आते हैं अपन फॉर्मेशन कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि लेजिस्लेटिव असेंबली की फॉर्मेशन और कंपोजिशन कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, कि इसके इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 170, कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 170 के तहत, क्या? दैट द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 500 एंड द मिनिमम इज 60। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए बेटा? 500 होने चाहिए, और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स को जब अपन देखते हैं तो अपना सेक्शन 170 जो है वो ये कहता है कि उसमें मैक्सिमम नंबर मेंबर कितने होने चाहिए? 500, और मिनिमम कितने होने चाहिए? 60 होने चाहिए, ठीक है। एंड फॉर इलेक्शन प्रोसेस द स्टेट इज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सच मैनर, इस तरह से, दैट एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट 75,000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ वी कम टू रिजर्वेशन, अब इसका रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अपना 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे इसमें सेक्शन 170 है, इसमें 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है
of 2009, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes have been provided in legislative assemblies. ठीक है, till January 2020, अभी तक जो है. After the election of legislative assembly, if the governor is related to states that feels that Anglo-Indian community has been given proper representation, then he can nominate one member from the community in the legislative assembly. समझ में आया कि 95th section जो है constitution का, उसमें 2009 में जो scheduled tribes और scheduled caste के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी, जो प्रोसेस कब तक चलेगा, 2020 तक चलेगा, मतलब स्टिल इट्स गोइंग ऑन. एंड अगर इलेक्शन में उनको ऐसा लगता है कि जो एंग्लो कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हैं, तो वो उसे भी नॉमिनेट कर सकते हैं. क्लियर, क्लियर हो गया. अब वी कम टू इलेक्शंस. इसके इलेक्शंस का प्रोसेस किस तरह से होता है. अपार्ट फ्रॉम नॉमिनेटेड मेंबर, कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड. सारे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द वोटर्स. ठीक है, और फॉर देयर इलेक्शंस, और इनके इलेक्शंस को देखते हुए, द प्रोसेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम एंड सिंपली मेजॉरिटी. All constituencies consist single representative each. Apart from the nominated member, कि जो भी nominated member होते हैं Anglo Indian community के, और other members of legislative assembly, और जो दूसरे members होते हैं legislative assembly के, are elected directly. वो directly elect होते हैं by the voters से. ठीक है, for their elections. एंड द प्रोसेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, और जब अपन इस अडल्ट फ्रेंचाइजी के काम को देखते हैं, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम जो है और सिंपल मेजोरिटी जो है वो एम्प्लॉयड होती है. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ईच, और ये हर सिंगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए काम करती है. क्लियर. नाउ वी कम टू क्वालिफिकेशन फॉर MLA. कि MLA की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. In constant to legislative assembly, a person should have following. जैसे अपन common पढ़ रहे हैं, पहला citizen of India, कि वो इंडिया का citizen होना चाहिए. ठीक है, दूसरा point क्या आएगा बेटा इसमें, उसकी age जो है वो 25 above होनी चाहिए. तीसरा point क्या आएगा, कि वो कोई भी central और state government का profit ना ले job में. तीसरा, वो डिफॉल्टर नहीं हो. फोर्थ पॉइंट, सॉरी, वो डिफॉल्टर नहीं हो. और पांचवा क्या होगा, ही शुड फुलफिल द कंडीशन दैट लेट डाउन बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. कंडीशंस को फुलफिल करे. ठीक है, क्लियर. सो दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ MLA, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. क्लियर हो गया. अब उसके बाद में थर्ड आते हैं अपन, टर्मिनेशन मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये क्या होते हैं. टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप, किस तरह से इसकी टर्मिनेशन होती है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी टर्मिनेशन किस तरह से होती है. मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी टर्मिनेटेड इन फॉलोइंग कंडीशन. कब कब. पहला, तीन कंडीशंस होती है बेटा इसके लिए. पहली, If a person is elected as a member of both the houses of state legislature, then he and she will have to resign from membership of any one house. अगर वो किसी भी एक house की membership को resign कर दे तो. In the same way, no person is entitled to assume the office of members of parliament or legislative assembly or state at one time. ठीक है, वो एक समय में एक ही काम करेगा, दो दो बवंडरों में नहीं फंसेगा, तो उसको अलाउड नहीं है.
नहीं ऐसा अगर होता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अ पर्सन कैन बी टर्मिनेट इफ ही और सी रिमेन एब्सेंट कंटिन्यूस फॉर 60 डेज विदाउट एनी फ्रॉम द मीटिंग्स विदाउट एनी परमिशन। देखिए 60 डेज के लिए कोई एब्सेंट हो सकता है, भगवान ना करे किसी को कोई इस तरह की बीमारी हो, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, कोई अपना रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरी आप ऐसे ही बैठे हैं आइडल से, तो आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 60 डेज तक देखेंगे, उसके बाद मना कर देंगे कि भाई साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप तो वैसे ही घर पर बैठे हैं, तो आप आराम से बैठिए घर पर, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट, इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर, जब भी अपन बीइंग इलेक्टेड होते हैं एज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, इट इज़ फेल्ट दैट पर्सन डज नॉट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन कैपेबिलिटी एंड कैन टर्मिनेटेड फ्रॉम द मेंबरशिप। अगर जो क्वालिफिकेशन मांगी है ऊपर, उससे अगर वो डिसक्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसको हटा दिया जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? उसको वहां से उसी समय हटा दिया जाएगा कि हमने कहा था कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज जो है 25 अबव होनी चाहिए, आप कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, आप कहीं पे भी डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए और पार्लियामेंट की सारी कंडीशंस को आप फुलफिल करते हो। इसमें से अगर एक भी सिचुएशन आड़ी टेढ़ी हुई तो उसे हटा देंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू टेन्योर। अब टेन्योर कैसे होगा? अ टेन्योर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, कि जो भी टेन्योर होता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का, इज 5 years, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। द गवर्नर कैन डिसॉल्व इट इवन बिफोर द कॉम्प्लेक्शन ऑफ इट्स टर्म। इसको डिसॉल्व कौन कर सकते हैं? मिस्टर गवर्नर। ठीक है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर, बट इफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन द प्रोसेस, अगर वो उस प्रोसेस में है, देन द पार्लियामेंट कैन लॉफुली एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो है इसकी टर्म्स को लॉफुली डिफाइन करेगी, एंड दिस टर्म कैन नॉट बी मोर देन 6 months ऑफ टर्मिनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। Now we come to officers. Officers, every state legislative assembly has 2 officers, speaker and deputy speaker. दो होते हैं। In these both are elected from amongst the members. ये मेंबर से इलेक्टेड होते हैं ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के, देन दे रिमेन इन ऑफिस टिल द लेजिस्लेटिव असेंबली रिमेन इन एग्जिस्टेंस, जब तक वो एग्जिस्टेंस में है तब तक। बिटवीन द दिस टेन्योर, इस टेन्योर को देखते हुए, द स्पीकर कैन गिव हिज रिजाइन टू द डिप्टी स्पीकर। स्पीकर अपना रिजाइन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। एंड द डिप्टी स्पीकर कैन गिव हिज रिजाइन टू द स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को। बोथ दीज ऑफिसर्स कैन रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भाई ये दोनों तो एक दूसरे को रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों को अगर हटाना हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इन दोनों को मेजोरिटी से हटा सकती है, बट कैन मैंडेट नोटिस रिगार्डिंग 14 डेज, लेकिन उनको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इन एडवांस टू स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हु हैज टू बी रिमूव, जिसको हटाना है उसको। सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा कि अपन ने किस तरह से पढ़ा है आज कि फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पहले अपन स्टेट लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन देखी,
जिसमें अपन ने देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, देन द हाउस इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली. उस हाउस को क्या कहते हैं बेटा अपन? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं. ठीक है. फिर द स्टेट हैज अ सेकेंड हाउस, उसका सेकेंड हाउस भी होता है. ठीक है, उसका सेकंड हाउस भी होता है. तो उसके सेकंड हाउस के अंदर अपन ने क्या देखा कि उस सेकंड हाउस के अंदर जो होता है उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं. उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया लेजिस्लेचर को, डिस्कस किया था अपन ने. लेजिस्लेचर को डिस्कस करने के बाद में अपन स्टेट लेजिस्लेचर पर आए, जिसमें अपन ने फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को डिस्कस किया, जो कि अपना आर्टिकल बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये जो होते हैं यूनिक्रिमिनल और बाइक्रिमिनल पर काम करते हैं. फिर सेवन स्टेट्स अपन ने डिस्कस किए जो कि यूनिक्रिमिनल बाइक्रिमिनल लेजिस्लेचर रखते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. ठीक है. उसके बाद यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर जो अपना होता है दैट विल बी सिंगल हाउस. सिंगल हाउस होता है जिसे अपन यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर कहते हैं. यूनिक्रिमिनल लेजिस्लेचर जो है वो हैज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर. फिर इसमें 22 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज होती हैं. उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो फर्स्ट हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, और जिसको अपन टेम्पररी हाउस भी कहते हैं, जो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है. हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट होती है. फिर अपन ने डिस्कस की इसकी फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन को. ठीक है, कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है. इसकी जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं, कि फॉर्मेशन जो है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होने जरूरी है. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स के बाद में अपन क्या देखेंगे, रिजर्वेशन, फिर उसके बाद इलेक्शंस, फिर क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, एंड आफ्टर दैट टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, फिर टेन्योर ऑफिसर्स. इन सबको डिस्कस किया अपन ने, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए. सेक्शन 170 बताता है कि मिनिमम 500 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए. ठीक है, मिनिमम 500 और सॉरी मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60. ठीक है, फिर जब रिजर्वेशन की बात अपन करते हैं तो 95th अपना अमेंडमेंट ये कहता है कि 2009 में एससी और ओबीसी की सीट्स रिजर्व थी जो 2002 तक चलेगी, और उसमें भी अगर एंग्लो कम्युनिटी के मेंबर्स अगर मेजोरिटी में हो तो उसे नॉमिनेट किया जा सकता है. इलेक्शंस की बात जब अपन करते हैं इसके अंदर, तो अपार्ट फ्रॉम नॉमिनेटेड मेंबर जो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, ऑल अदर मेंबर्स हैव लेजिस्लेटिव असेंबली. उनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एंड दे आर डायरेक्टली बाय द वोटर्स, वो डायरेक्टली वोटर्स के फॉर्म में होगी. ठीक है, फॉर देयर इलेक्शंस, अगर उनके इलेक्शंस का प्रोसेस देखें तो, अगर उनके इलेक्शंस का प्रोसेस देखते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम और सिंपल मेजोरिटी इज एम्प्लॉयड. एंड देन द अपन आए क्वालिफिकेशन पर. तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनकी, कि क्वालिफिकेशन जो है वो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन. ठीक है, उसके बाद में उसकी मिनिमम एज 25 ईयर्स की होनी चाहिए. फिर ही शुड होल्ड एनी ऑफिस, वो कोई भी इस तरह का ऑफिस होल्ड नहीं करे जिसमें द प्रॉफिट बाय उसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट मिलता हो. देन ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड मेंटली डिसेबल्ड, वो मेंटली डिसेबल्ड या डिफॉल्टर नहीं हो. ही शुड फुलफिल द कंडीशन एज लेड डाउन, जो भी पार्लियामेंट्री कंडीशंस है उसे वो फुलफिल ज़रूर करें. फिर टर्मिनेशन ऑफ मेंबर पर आए, तो पहला क्या था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस के जो भी हैं ही विल रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ एनी अदर हाउस. फिर दूसरा के जो है अगर 60 डेज अगर वो बिना परमिशन के छुट्टी ले लेते हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है. तीसरा के ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन थी अगर उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उसे मना कर दिया जाता है.
फिर आते हैं टेन्योर, तो इसका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है डिसॉल्व गवर्नर. एंड देन वी कम टू ऑफिसर्स, कि इसके ऑफिसर्स जो होते हैं वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं. और इन जैसे स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे सकता है, और डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर को रेजिग्नेशन दे सकता है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिजाइन कर सकते हैं. और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है तो अगर मेजोरिटी इन दोनों में से किसी एक की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो 14 डेज पहले एक प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ में जो है वो नोटिस दे सकती है कि आपको हम हटाते हैं. लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स जो हैं उनकी मेजोरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट्स ऑल, आज अपन इसको यहीं पर फिनिश करते हैं. कल की क्लास में अपन पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर्स के साथ में मिलेंगे. आई होप अपन ने जो 2 पेज किए हैं होपफुली बिल्कुल आपको इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी कि हम इसे वापस रिवीजन दें या किस तरह से करें. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी अकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश SST एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच.